गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम ममता शर्मा, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी मेधा बुक से फर्स्ट चैप्टर जो पोयम है, कविता है, कलम आज उनकी जय हो, यह पढ़ा रही हूँ कक्षा 8 के लिए। देखिए, प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यानी कि उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ, अपने प्राण भी अर्पण कर दिए और बदले में कुछ भी नहीं चाहा। कवि ने उनका स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेने की बात की है, यानी कि कवि ने हमसे उनसे कुछ सीखने के लिए कहा है। तो यहाँ पर लेखक जब लिख रहे हैं तो अपनी कलम यानी अपनी पेन से कह रहे हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय। तो लेखक कह रहा है कि हे मेरी कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने अपनी अस्थियों को, अपने प्राणों को बारी बारी करके उस पुण्य वेदी का मतलब होता है जो हवन, जिसमें हम हवन करते हैं ना, उसे पुण्य वेदी कहते हैं। तो यानी कि जिस प्रकार हम जब हवन करते हैं तो सामग्री को अर्पण करते हैं, देवताओं को सामग्री अर्पण करते हैं, तो हम अपनी इच्छा से अर्पण करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों को उस पुण्य यानी कि इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर दिया, यानी देशभक्ति के लिए वो पुण्य वेदी में अर्पण कर दिया और उनकी अस्थियां भी इधर उधर चिटकाई जिनमें चिंगारियां, यानी कि जिन उनकी अस्थियां भी इधर उधर बिखर गई और जिस प्रकार कि जब हम अग्नि में सामग्री डालते हैं तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, उसी प्रकार जो उनकी अस्थियां हैं वो भी इधर उधर बिखर गई और उन्होंने अपनी गर्दन तक कटवा दी, जिन्होंने ये नहीं देखा यानी बिना गर्दन का, यानी उन्होंने अपनी गर्दन का भी मोल नहीं किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे प्राण कितने अमूल्य हैं, हमें भी चाहने वाले हमारे परिवारजन हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने देशभक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हे कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह खोल, कलम आज उनकी जय। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हे कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने अगणित का मतलब होता है जिनकी संख्या गणित में भी नहीं है, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसे लघु यानी कि छोटे, ऐसे छोटे दीप यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता और ऐसे अनगिनत दीप यानी कि दीपक, यहाँ पर शहीदों को कहा है क्योंकि वो खुद अपने प्राणों को न्योछावर कर हमारी रक्षा करते हैं और इसी प्रकार दीपक जो होता है वो स्वयं जलता है और सब में उजाला करता है। तो उन शहीदों ने अपने प्राण देकर हम लोगों को सुरक्षित किया है, जिस प्रकार और तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, यानी कि जिस प्रकार एक दीपक जलता है और तेज हवा चलती है तो वो हवा जब दीपक पे लगती है तो दीपक कभी बंद होने को होता है और कभी फिर तेजी से जल जाता है, फिर बंद होने को होता है और फिर तेजी से जल जाता है, यानी कि वह उस हवा को पूरी टक्कर देता है और जहां तक उसमें हिम्मत होती है वह जलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि एक बार ज्यादा तेज हवा आती है वह बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ लेखक ने कहा है कि जिनकी संख्या गणित में भी मतलब गणना नहीं की जा सकती, संख्या नहीं है, ऐसे बहुत छोटे छोटे से शहीद जो तूफानों में भी
कभी भी अपने मुंह से इसने प्यार का कोई एक बोल भी नहीं मांगा और वह बिना कुछ सोचे समझे हमारे देश की रक्षा करते रहे। ऐसे शहीदों की, ऐसे वीर जवानों की जय बोल। हे करमवार उन शहीदों की जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाग से सहमी धरती रही अभी तक दो, कलम आज उनकी जय। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पीकर जिनकी लाल सिखाएं, सिखाएं यानी होता है चोटी, तो सिखाएं चोटी, तो उगल यानी कि जिनकी लाल, लाल यहाँ पर रक्त कहा, ठीक है, रक्त जो होता है, खून जो होता है वो लाल होता है, और कहा है उनके रक्तों को पीकर, यानी कि कितने लोग शहीद हुए हैं उनके रक्तों को पीकर उगल रही सो लपट दिशाएं। आज चारों तरफ दिशाएं ऐसी लग रही हैं जैसे चारों तरफ से आग ही आग बरस रहा हो, और जिनके सिंह नाद से सहमी, सिंह नाद होता है कि सेन की तरह दहाड़, सेन की तरह दहाड़। आपने देखा होगा जब युद्ध होता है टीवी में, जब युद्ध होता है तो एक सिंह नाद की जाती है, एक आवाज की जाती है, और जिससे ये होता है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इसी प्रकार सिंह नाद यानी कि कहा जाता है कि सिंह की तरह आवाज दी गई, और उनकी आवाज यानी कि उनकी चीख से हमारी धरती माता तक भी सहमी सी यानी कि डरी सी हो गई। जो हमारी धरती माता है वह भी उनकी आवाज से डरी सी हो गई। हे कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साकी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय। तो लेखक कह रहा है कि अंधा चकाचौंध का मारा, तो आपने देखा होगा चकाचौंध, चकाचौंध का होता बहुत तेज रोशनी, जब कोई तीव्र रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो उस रोशनी के कारण हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी एक हम अंधे के समान हो जाते हैं। जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हमें कुछ चमकता नहीं है। तो यहाँ कहा है कि चकाचौंध के मारे अंधा सा प्रतीत हो जाता है, क्या जाने इतिहास बेचारा, यानी इतिहास तो एक चकाचौंध रोशनी का अंधे के समान है, वह इनकी गाथाओं को क्या जाने। साखी है उनकी महिमा के, साखी मतलब है साक्षी, साखी मतलब साक्षी है उनकी महिमा के साक्षी, तो यह सूर्य और चंद्रमा भूगोल और खगोल, खगोल यानी कि अंतरिक्ष, ये जो चंद्र सूरज और यह भूगोल और यह आकाश, ये सब उनकी ये महिमा के साक्षी हैं, यानी कि उनके जी उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए, कितनी परेशानियों को झेला, ये सब के साक्षी यह सूर्य चंद्रमा भूगोल और अंतरिक्ष हैं। तो लेखक कह रहा है कि हे कलम, हे मेरी कलम आज उन शहीदों की जय हो। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में करेंगे, और जो समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे।